मैंने क्या मास मारा को जानता ये वाला मेरा जानता है। और अभी आ रहा हूँ मैं, वो जो सामने वाला पहाड़ी दिख रहा है उसको क्रॉस करके। गुड मॉर्निंग गाइस एंड स्वागत आपका एक और नई वीडियो के अंदर। तो अभी हूँ मैं सेंट्रल त्रिपुरा का एक छोटा सा शहर आता है मानू, अंबासा से लगभग 30 किलोमीटर आ गया। और रात को टेंट लगाया था हमने पेट्रोल पंप के ऊपर। और यार यहाँ पे त्रिपुरा में कैंपिंग करने का प्रॉब्लम बताऊँ क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर रहता है 30-35 और सुबह 4 बजे सूरज निकल जाता है। तो अगर आप 7 से 8 बजे उठने वाले बंदे हों तो प्रॉब्लम हो जाता है भाई पसीने से तर बतर, क्योंकि रात को मौसम हो रखा था बारिश वाला तो रेन कवर भी लगाना पड़ता है और रेन कवर के कारण 7-8 बजे टेंट के अंदर भयंकर वाली ह्यूमिडिटी हो जाती है, तो बंदा बिल्कुल इरिटेट होके उठता है। तो निकलने से पहले जा रहा हूँ मैं मार्केट के अंदर, कुछ खाना वाना खा लेते हैं। तो अभी आ गया हूँ मैं मानू के मार्केट में, 2 किलोमीटर पीछे चल के पेट्रोल पंप से, और कुछ चाय वाय छोड़ते हैं और फल वगैरह लेते हैं क्योंकि कल छोला पूरी खाते खाते पेट खराब हो गया साला। दादा के बोन आचेन भालो आची केला फोलेरा दुकान कोठाया केला केला दादा एक 2 kg केला कहता पैसा एक मिलेगा सिंगल पूरे का 100 रुपया लेगा या कैसे? नहीं पूरे का नहीं, ये वाला सेब, ये वाला 100 रुपया लेगा। दादा केला इतना महंगा क्यों देता है? यहाँ पे लगता ना केला, तो यहाँ पे लगता है क्योंकि अभी कमती हो गया। कमती हो गया केमोन आचिन दादा, सारी पब्लिक मेरी तरफ देख रही है जब मैं इसको ऐसे खाते खाते चल रहा हूँ। मजा तो ऐसे खाने में आता है, प्लेट में डाल के मजा नहीं आता। दादा केमन आचेन बोलता नहीं मालो अच्छी। हाँ तो बोलने जवाब देना, ऐसा थोड़ी। पैर में चप्पल क्यों नहीं पहनता? स्कूल स्कूल स्कूल। हिंदी मालूम? हिंदी तो क्या मालूम, बंगला मालूम तो इंग्लिश इंग्लिश। घर देखो यार यहाँ का आर्किटेक्चर पूरे बांस से बनाए हुए हैं, और मेन गेट देखो यार इनका पूरा सेट से बनाया हुआ है छोटा सा, इसका कोई यूज़ नहीं है, बस डेकोरेशन के लिए। और कुछ ना हो ना हो त्रिपुरा में आने के बाद पाइनएप्पल से आपका पेट भर जाएगा, 20-30 रुपये में 1 kg 1.5 kg। तो टाइम जो है वो अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और अभी निकल रहा हूँ मैं अपनी अगली मंजिल के लिए, पता नहीं कब तक पहुँच पाऊँगा। और जो रास्ता है वो भी मेरे हिसाब से आज वाला जंगल का है। दादा कंचनपुर के लिए रास्ता किधर से हो बे? सीधा नहीं, कंचनपुर अगर मैं शॉर्टकट से जाता हूँ तो दूसरा रास्ता है ना एक सामने जो पार्किंग है ना, पार्किंग पार्किंग 1 किलोमीटर जाना में बाद में ये है राइट साइड में इस तरफ ना। थैंक यू दादा। ऐसी बात नहीं है कि त्रिपुरा के अंदर सुपारी के पेड़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे सुपारी से ज़्यादा मेरे को नारियल के लगे, पूरा केरला वाला सीन लग रहा है। भाई करा लिफ्ट मांग के देखते हैं भाई से। रोक लिया हमें जाना है कंचनपुर, ये जो दूसरा जंगल वाला जो रास्ता जाता है इस रास्ते से, आप उस रास्ते तक जाएगा? मैं तो सीधा चला जाऊंगा। आप हमें वहाँ पे ड्रॉप कर देना बाईपास पे। हाँ ये बैग आगे टांग सकता आप? भाई साहब को परेशान कर दिया यार मैंने लिफ्ट के चक्कर में, लेकिन चलता है। Everybody come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town. मतलब अंधेरा हो जाए तो मैं किधर टेंट लगा के रुक सकता हूँ बस्ती के पास में ना? सेफ जगह में रहिए। हाँ हाँ वैसे कुछ अच्छा नहीं है, एरिया अच्छा नहीं है। हाँ मतलब अकेला मतलब थैंक यू वेलकम वेलकम। तो आज का मेरा प्लान कुछ ऐसे कि मानू से जो कंचनपुर एक रास्ता जाता है शॉर्टकट वाला जंगल का रास्ता है, तो वहाँ से बीच में काफ़ी आदिवासी मतलब ट्राइबल्स के गांव पड़ते हैं। ट्राइब्स कौन से हैं इतना तो मेरे को भी कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरा प्लान ये है कि उनमें से किसी गांव में जाके आज रात को रुकना है। तो और काफ़ी लोगों ने मेरे को सजेस्ट किया कि उस रास्ते के ऊपर से अकेले पैदल मत जाओ, अभी 2 बजे के आसपास निकला हूँ तो लिफ्ट वगैरह भी कम मिलेगी, और वो थोड़े बोलना तो नहीं चाहिए मेरे को लेकिन रिस्क है, समझ जाओ आप। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद एक छोटा सा बस्ती आ गया है यहाँ पे, और दुकान भी बना है। हेलो कोई होता? चाय चाय मिलता? नहीं। कहाँ पे मिलता चाय? चाय जब नहीं। तो यहाँ से आगे बस्ती कितने किलोमीटर होगा? 3-4। ओके और आगे कौन सी ट्राइब रहता है, चकमा रहता है या कौन रहता है? ये
पे। हाँ हाँ चकमा। आप भी चकमा हो? हाँ, नहीं तो बंगाल। अच्छा बंगाली हो? कैसे बोलता है बंगाली में? कैसा हो? के बार आछोन। फिर मेरे को किसी ने बताया था जंगल का रास्ता है, यहाँ पे तो पक्का रोड बना है। मैं सोचा ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे। और 3 किलोमीटर चलने के बाद एक और दूसरा गांव आ गया। हेलो, गांव का नाम क्या होगा? चौतरीस कार्ड। आप बंगाली होता? हाँ। तो आगे ट्राइबल का गांव कब आएगा? ट्राइबल तो कहाँ पर जाना है आपको? हमें पता नहीं कहाँ पे जाना है। रुको, एक फोटो गाना बंद करो पहले, कॉपीराइट आएगा हमारे। आपका यूट्यूब का चैनल का नाम क्या है? अरे शांति रखो यार, एक बार जो काम बताए वो करने दो। इस बंदे को जानता? हाँ जानता, आइसक्रीम बिस्ता है। हाँ हाँ, ये कौन से गांव से होता? सामने से। इसके गांव का नाम? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर इसका गांव होता है? अभी भी 15 किलोमीटर जाना पड़ेगा। इसके गांव का नाम क्या है? इसके गांव के नाम चिटिंगसरा। चिटिंगसरा। ये क्या चकमा होता है या? चकमा। चिटिंगसरा। ठीक है। चिटिंगसरा के लिए हमें कोई गाड़ी वगैरह मिलेगा या नहीं मिलेगा? ना नहीं मिलेगा यार वैसे तो। क्यों आपको चिटिंगसरा जाना है यार? ऐसे घूमने के लिए। चिटिंगसरा तो देखने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे क्या जम्पुई जाना है आपको? जम्पुई में क्या है? जम्पुई में बहुत कुछ है। झील है, पहाड़ है, पहाड़। अच्छा अच्छा, वो टूरिस्ट जाता आप जैसा लोग घूमने के लिए। हम ऐसे जंगल में जाता घूमने के लिए। जंगल में जाते हो? हेलो आंटी, नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, थैंक यू भैया। अब मैं बताता हूँ मैंने उस लड़के को आइसक्रीम वाले का फोटो क्यों दिखाया था। मेरे को कल के दिन में मिला था एक भाई, तो उसने मेरे को ये वाला रास्ता सजेस्ट किया था कि आप इस रास्ते से जाना, और उस आइसक्रीम वाले का फोटो दिखाया। उसका फोटो उसने अपने फ़ोन में खींचा था। किस भाई के गांव पे ना तो लाइट है और ना कोई इंटरनेट की सुविधा है, बिल्कुल मतलब जंगल के अंदर बसा हुआ ट्राइबल गांव है, इसलिए मेरे को वहीं पे जाना है। क्या नाम होता? मंगोल। मंगोल चंद्र। मंगोल क्यों? आप लोग चकमा लोग मंगोलिया से आए हो क्या? पुराने वो माता पिता को नाम रखने के लिए? हाँ अरे वो तो रखा है, मैं समझा। मैं तो क्या करेगा, आप उस टाइम बोल नहीं सकता था ना, क्या करेगा। अभी मैं जिस गांव में चल रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी घर बने हैं ये सभी बांग्ला लोगों के बने हैं, और ये वो बांग्ला लोग हैं जो 1972 बांग्लादेश बनने के बाद इंडिया के अंदर एंटर कर गए एज ए रिफ्यूजी, और बाद में इनको इंडिया का नागरिकता भी मिल गया। तो अभी उनके घर जा रहा हूँ मैं पानी पीने के लिए। ओए हेलो, डिंग डोंग, नॉक नॉक। धन्यवाद दीदी। नहीं हो गया। आप लोग बांग्लादेश से आए हुए हो? ना ना, तो नहीं पहले पुराने आपके बाप दादा कहाँ से थे? बाप दादा रहा तो बांग्लादेश। बांग्लादेश से। इनके ऐसे क्या हो रखा है मुंह के ऊपर बच्चों के? वो आम खाए से। आम आम खाने से? ये देखो इसके आम खाने के कारण क्या हो रखा है। इतना आम क्यों खाता? नहीं नहीं रोने का नहीं। देखो मैं आपके लिए कुछ लेके आया, एक और खाता। खाता लेता हम मारेगा वरना। यार जब जरूरत होता है ना साला, तो वापस आने वाला गाड़ी दबा के मिलेगा, लेकिन जाने वाला एक भी नहीं मिलेगा। जो भी हो, अपना 11 नंबर गांव जो बचा है यहाँ से 12 किलोमीटर, और टाइम हो चुका है अभी 3:30, तो 1 घंटे में 4 किलोमीटर लगा के चलें, 15 मिनट में 1 किलोमीटर निकालेंगे, तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा और लग जाएगा। 6:30 हो जाएगा अगर कोई लिफ्ट नहीं मिला तो, और 6:30 बजे के आसपास यहाँ पर अंधेरा भी हो जाता है, तो उसके बाद गांव में जाके गांव वालों से बातचीत करना भी मुश्किल होगा। और उस भाई ने मेरे को कल बताया था कि ये जो 11 नंबर गांव वाले हैं, किस गांव में हिंदी किसी को नहीं आता, तो कम्युनिकेशन में काफ़ी प्रॉब्लम होने वाला है। एक बंदा है उसको बांग्ला आता है, लेकिन बांग्ला थोड़ा हिंदी से मैच करने वाला है, तो मैं समझ सकता हूँ, थोड़ा बहुत समझा सकता हूँ। बाकी देखते हैं गाँव में जाके कैसा यूनिक एक्सपीरियंस होता है चकमा लोगों के साथ में, फर्स्ट टाइम होगा मेरा। ओ ग्यारह नंबर बस्ती? 11 नंबर मालूम नहीं। आप कहाँ तक जाता? कंचनपुर तक जाता? तो चलता हमें आप छोड़ देता, हम जहाँ पे बताएगा वहाँ पे छोड़ देगा, रास्ते में आएगा वो गांव। चलो घबराना नहीं, सेफ रहना, हम कोई लूटेगा नहीं। ऐसा बात नहीं है। हमें किसी ने बताया था कि आप अंधेरा होने के बाद ऐसे मत जाना, लूट मार कर लेते हैं।
11 नंबर ऐसे कोई गांव होता आगे 11 11 दुकान है ना उधर। हां वो जो हमने बाहर देखा एक तो दुकान आते थे थानिंगरे का ना इधर नहीं 11 नंबर यही यही होता ये बोला था वो बुड्ढा एक बार में पूछ के आता। हेलो आता ये बंदा कौन से गांव का होता है ये वाला जानता नहीं जानता है इसको जानता उनको बताता इनको बताता पूछता इनसे ये बंदा कौन से गांव का होता कौन खाने कंपनी कंपनी हरामी है ये गांव भी चकमा का होता तो त्रिपुरी अभी जो आदमी जो पोतू दिखाया आपने वो कौन बोला वो 11 नंबर का है जिस गांव से आपने मेरे को चढ़ाया ना वो गांव वाला बोला कि 11 नंबर का है ये क्या बोलता कौन से नंबर का है 15 नंबर का 11 नंबर ही है नहीं ये बंदा कौन से नंबर का ये ऐसे क्या बोलता 15 नंबर बोल रहा है तो वो आगे है चलो आगे वाले गांव में जाके और ट्राई कर लेंगे। थैंक यू थैंक यू। इधर आता इसको जानता हां चिन्हे कौन का नहीं था ओए किने ओए किने कंपनी फरा पहचान लिया लगता है सर नाम था किता शायद नाम आई मुझे जाने ना क्या बोल रहे वो आगे है आगे गांव चलो चलता फिर थैंक यू यस नहीं ऐसे बोलता वेलकम हां रास्ता सुना नहीं चलें ओ मास मारा को मैंने कम मास मारा को ऐसे पेट्रोल बच जाता है कितना आपका ऐसे तो मालूम नहीं है ये बहुत बड़ा ऐप है अच्छा ढलाई 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 मेघालय में भी लोग ऐसे ही पेट्रोल बचाता है इधर आता क्या हुआ नहीं कुछ नहीं हुआ हमारा दोस्त अच्छा उधर होता यहाँ पे हिंदी आपको मालूम होता सबको अच्छा मेरे को बताया हिंदी मालूम नहीं है मैं घबरा गया मैं सोचा चकमा कैसे बोलेगा मैं ये रास्ता जाता है भाई साहब के घर के लिए तो आखिरकार त्रिपुरा के अंदर एक बंदे को सिर्फ एक फोटो के आधार पे मैंने ढूंढ लिया मेरे पास कोई हेल्प नहीं था ना खुद का गाड़ी ना कोई मोबाइल नेटवर्क सिर्फ फोटो दिखा दिखा के इन्वेस्टिगेशन मिशन जैसे हो गया था एक घंटा लगा कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा इस तरह बता रहे हैं भैया का घर आता इधर आता इधर तो आता इसको जानता नहीं किस लिए इसको नहीं जानता नहीं बना बुरा नहीं जाओ इधर आगे में होता जाओ आई दे पानी मिलता है पानी पीने का पानी पानी पीने का पानी तो नहीं पानी मेरे को प्यास नहीं लगा था मैंने बस ट्राई करने के लिए मांगा था कि सही में बोलने का लहजा ऐसा है या फिर हेल्पफुल भी नहीं है नहीं बस लहजा ऐसा है बाकी नॉर्मल है। वेलकम टू द ट्राइबल विलेज ऑफ त्रिपुरा चकमा ट्राइब। और ये गांव इतना बैकवर्ड नहीं लगा मेरे को क्योंकि पक्के रोड बने हुए हैं बिजली के लिए लाइट भी है और त्रिपुरा का गाँव है तो घर तो प्रॉपर बैम्बू से बने ही होंगे सामने भी लकड़ी से बने हुए घर हैं। बाकी अपने होस्ट के घर पर जाके देखते हैं पता नहीं यार वो होस्ट अपने को होस्ट करेगा भी नहीं मैं बस एक फ़ोटो के पीछे पीछे दौड़ा चला जा रहा हूँ बाकी एक्सपीरियंस काफ़ी यूनिक होने वाला है। और भाई साहब ने मेरे को आगे जाके ये वाला रास्ता लेने के लिए बोला था और आगे ये वाला कोई रास्ता नहीं सिर्फ ये पहाड़ के ऊपर से जाता हुआ लग रहा है और वो वाला फ़ोटो भी ऐसा था जैसे कोई पहाड़ की चोटी के ऊपर चढ़ के खींचा हुआ हो तो यहाँ पर जाके पूछते हैं मिल जाना चाहिए नहीं मिलेगा तो आगे चलेंगे क्या प्रॉब्लम है क्योंकि अभी टाइम 4:30 ही हुआ है एक डेढ़ घंटा और बचा है सूरज ढलने में। हेलो कोई होता आपको हिंदी मालूम हाँ छोड़ो देखता इसको पहचानता
दिस मैन नहीं है ऐसा। हाँ कहाँ पे होता आप हमको, अरे चुप हो जाए यार, आप हमको छोड़ के आ सकता इसके घर पे, आप हमें इसके घर पे छोड़ के आ सकता, आप चलेगा हमारे साथ, आ जाओ। तो फाइनली कोई भाई आने के लिए राजी तो हुआ यार, अब तो कोई छोड़ने को लिए तैयार नहीं था, सभी ऊ तो ऐसे करके पीछा छुड़ा रहे थे। आपका क्या नाम होता है, आपका नाम? मेरा नाम हाँ किरण शाह। आप क्या चकमा होता? नहीं तो। तो क्या होता, हिंदी पूरा नहीं समझता? हाँ दोस्त। भाई रूड लग रहे हैं ये लोग मेरे को, पता नहीं फर्स्ट इंप्रेशन में ही है या बाद में भी सेम रहेंगे, इस हिसाब से तो अपना होस्ट भी अपने को होस्ट नहीं करेगा, लेकिन छोटा भाई अपना छोड़ के आ रहा है इतना ही काफ़ी है। तुम कौन सा लैंग्वेज बोलता नहीं बोलता? तुम लड़की होता या लड़का? लड़का। तो ये क्यों लगाता, उंगली दिखाता ऐसे? भाई गांव वाले कैसे देख रहे हैं मेरे को वहाँ पे चढ़ चढ़ के। पूरे गांव में खबर फैल गई कि ऐसे ऐसे कोई बंदा आया है। तुम स्कूल जाता, स्कूल कौन सी क्लास? फाइव। फाइव का स्पेलिंग क्या होता? हाँ हाँ एफ एफ आगे आगे साफ होता कहते हाँ। क्या है, हम क्या भेज रहे हैं? नहीं हम टूरिस्ट होता, टूरिस्ट घूमने के लिए आया आपका गांव। ये आपका बच्चा होता? हाँ। इसका क्या नाम होता? ये इसका नाम भूल गया मैं तो भूल गया। ओके ब्रदर, किधर जाएगा अभी? अभी हम एक किधर जाएगा बताना इसको, नवीन का घर पे। हाँ हाँ वो इसमें ठीक है ब्रदर। इसने तीन बच्चा दिया, तीन बच्चे देने वाला बकरी भी होता, हमारे उधर तो एक देता या दो देता लास्ट होता, तीन से भी ज्यादा देता बच्चा या तीन ही देता मैक्सिमम? कितना देता सबसे ज्यादा, कितना बच्चा देता? नहीं पांच देता, दस पांच देता। हाँ पांच देता। बकरी के बच्चे का डिस्कशन चल रहा है भैया। और पहले तो पेड़ पौधों ने घेर रखा था, लेकिन अब हम थोड़ी हाइट पे पहुंचे तो मस्त वाला व्यू आने लगा है गाँव का। हाँ व्यू देख यार नजारे कती एंडी। और अभी आ रहा हूँ मैं, वो जो सामने वाला पहाड़ी दिख रहा है उसको क्रॉस करके इस तरफ, नबीन का घर ये होता। तो फाइनली पहुँच के लगते हैं नबीन के घर पे। ओए नबीन किधर होता, नबीन इधर आता भाई? अब ये मना ना कर दें बस, ये उधर घर पे। घर कौन सा होता इसका? इसका उधर उधर होता भाई। सर्च ऑपरेशन खत्म नहीं हो रहा, ऑक्सीजन चाहिए मेरे को ऑक्सीजन। हेलो रास्ता कहाँ से होता? अच्छा पक्का कंफर्म है ना यही है? पिटूंगा बहुत गलत निकल गया तो। भाई नवीन भाई तो अमीर आदमी लगता है, पक्का घर बना रखा है, बांस का घर ही नहीं है। मैं बांस का घर तलाश रहा था। ओ मिला उधर मिला। नबीन ओए नबीन, नहीं होता वो सामने की तरफ, उसकी मम्मी जी ऐसा दाग जला रखी है। हेलो आंटी इधर आता क्या करने के लिए? हेलो हाथ मिलाता होता हर तक, कोई बात नहीं खराब भी मिला लेता। बहुत कितना टाइम हो गया आपको ढूंढते मेरे को पता है, 2 घंटा से ज्यादा। ये फोटो आपका ये ना, ये हमारा दोस्त होता, इसने भेजा हमको आपके गांव में घूमने के लिए। हम राजस्थान से आया टूरिस्ट होता, पूरा इंडिया घूमता, हम बैठता आराम करता, आप काम कर लेता एक बार ठीक है। ये क्या होता? वो खाना के लिए ही ना? खाना के लिए? अच्छा ठीक है, टेक योर टाइम, थैंक यू। एक गिफ्ट होता है हमारे पास आपके लिए, तुमको पसंद तो नहीं आएगा, थैंक यू। ये कहाँ का, अगरतला का आम है ये ठीक है,
संभाल के रखना खाना मत। थैंक यू। अब पिएगा को खाएगा बोलता, हम बोलता नहीं नहीं तो निंग नहीं बोलता, तो निंग नहीं, तो निंग नहीं बोलता ना, तो निंग नहीं, तो निंग नहीं। अच्छा, और पानी को क्या बोलता? तो ही बोलता, तो ही, तो ही, तो ही। और मुझे नहीं पता, बुजिया बुजिया। दो तीन वर्ड सीख गया हूँ मैं चकमा के इनके पास आने के बाद। आप अभी खेत से आया है? अच्छा, आया ना। अच्छा, वो नीचे वाला खेत आपका है? आपका उम्र कितना हुआ? मेरा उम्र तो 50 हो गया ना। 50? हो गया। आप 30 जैसा लगता। मैं पहले सोचा ये आपका बच्चा होता। नहीं, मैं नातिन है। नातिन है हा? और इसको क्या बोलता? आग? हॉर बोला। हा? हॉर, 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 हॉर। और इसको क्या बम्बू बोला? बम्बू, बम्बू का बोला वाह, वाह। आपका नाम क्या होता? भूल गया मैं। नबीन, नबीन, नबीन। अपने होस्ट का नाम भूल गया यार मैं, क्योंकि नाम कैसे याद रखूं? अभी तो मिले हम, सिर्फ एक फोटो से पीछा कर रहा था मैं इनका। नाम कहां से मिला था? वो जो लड़के से मैंने आपका बात करवाया फोन से, उसको आपका नाम मालूम नहीं था। मालूम नहीं था? हाँ, उसने मेरे को दो फोटो भेजा था। हाँ। तो मैं उसका फोटो दिखाया पीछे वाले गाँव में। हाँ। एक कुल्फी बेचने वाला था, उसको दिखाया। तो उसने वो बोला कि वो 11 नंबर गांव से है। लेकिन 11 नंबर गांव में मैं गया तब मेरे को वहां पे लाइट के खंभे दिखे। तो जो लड़का था उसने बताया कि आपका घर है ना, वहां पे लाइट नहीं है। फिर मैं सोचा ये तो नहीं हो सकता उनका घर। फिर मैंने दूसरा फोटो, आपका फोटो दिखाया उनको। वो बोला कि इसका बस्ती आगे में होता। फिर आगे आपके गाँव के बस स्टैंड पे आया, वहां पे आपका फोटो दिखाया, बोला नबीन है, नबीन है, नबीन है। तो ऐसा था हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन। फिर मैंने नबीन भाई का बात करवा दिया उस भाई से जिसने मेरे को फोटो दिखाया था। तो उसने बंगाली में अच्छे से सॉर्ट आउट कर दिया। इनको हिंदी थोड़ा कमती आता है तो इस वजह से मैं नहीं समझा पाया, लेकिन उनके समझाने पे वो समझ गए कि ये ऐसे ऐसे घूमता है और इसलिए आया है ना। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हाँ, आपके हाथ में अभी वो क्या था? आपने क्या टांगा था? नहीं नहीं वो, हाँ हाँ, क्या बोलता है इसको? बातुल बोलता ना, बातुल। इससे क्या करता है? चिड़िया मारता? निशाना कैसा है आपका? इसके मारता उस लींबू के, मारता लींबू के। हाँ, हम भी देखता टारगेट दिया है भाई को इस नींबू के मारने का। हाँ कोई ना, ओके। खतरनाक भाई, खतरनाक। चिड़ी तो एक भी नहीं छोड़ता फिर आप ना, द चिड़ी हंटर्स ऑफ त्रिपुरा। हाँ, ये सब आप खुद बनाता? गेट वगैरह खुद ही बना लेता? अच्छा, क्रिएटिविटी नेक्स्ट लेवल। हाँ, अभी हम कहाँ पे जाता? उधर से घूरता ना। अच्छा, घूरता घूमता। हाँ, घूरता घूमता। नीनी बूमंग शादी? कुशमत, कुशमत, कुशमाला, कुशमाला, कुशमाला। किधर था? सुमाई लाइसेंस। तो रात का टाइम हो रहा है अभी 3:30 और मैं हूँ त्रिपुरा स्टेट राइफल्स का कैंप लगा हुआ है यहाँ पे पहाड़ की चोटी के ऊपर। इसके बाहर एक शेड जैसा यहाँ पे मैंने अपना टेंट लगा रखा है। और अपने नवीन भाई चकमा भाई के घर से मैं यहाँ तक कैसे पहुँच गया ये पूरी कहानी जानने के लिए आपको लेके जाता हूँ मैं 5 से 6 घंटे पीछे की तरफ। लगभग 10:30 बजे हम लोग खाना वाना खा के आराम से नवीन भाई के घर पर सो जाता हूँ। अच्छा, मेरे को बेड देते हैं, उसके ऊपर मच्छरदानी लगा देते हैं। लेकिन 1-2 घंटे के बाद कोई मेरी पीठ के पीछे से टच करता है तो मैं जाके देखता हूँ कि भाई कौन है। तो पूरा हिल जाता हूँ मैं, क्योंकि वो कोई हाथ से टच नहीं कर रहा होता मेरे को, वो गन से टच कर रहा होता है। तो मैं उसको बोलता हूँ, हाँ भाई, बोलता है कि अपने आईडीज निकालो और बाहर आओ। मैं अपनी आईडी वगैरह लेके बाहर जाता हूँ तो बाहर और भी दिल दिला देने वाला माहौल। 5-6 बंदे खड़े होते हैं सेम गन 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 लेके, और ड्रेस उन्होंने आर्मी जैसा ड्रेस पहना होता है तो उस वजह से मेरे को थोड़ा रिलैक्स होता है। हाँ भाई, नॉर्मल कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए, पूछताछ के लिए आए होंगे, आप यहाँ पे कैसे आए हो? तो मेरा आईडीज वगैरह चेक करके बोलते हैं कि आप कौन हो, किस लिए आए हो? उनको बोलता हूँ भाई टूरिस्ट हूँ, ऐसे ऐसे करके ट्राइबल गाँव घूमने के लिए आए हूँ। तो बोलते हैं कि अपनी टूरिस्ट आईडी दिखाइए। कोई ऐसी कोई आईडी मेरे पास होती नहीं है, बट मेरे पास एक रिटर्न में लेटर होता है अपने जो लोकल अथॉरिटीज़ होती है, मैं जिस एरिया में रह रहा होता हूँ उनकी, उनको वो दिखाता हूँ। तो उनको वो बिलीव नहीं होता, वो बोलते हैं कि आपके पास टूरिस्ट आईडी है तो वो दिखाइए, वरना अपना बैग वगैरह उठाओ और हमारे साथ गाड़ी में बैठ जाओ। और कोई ऑप्शन नहीं होता, गाड़ी में बैठ जाता हूँ उनके साथ। वो 5-6 किलोमीटर जंगल के रास्ते सिटी अपने कैंप साइट पर लेके चले जाते हैं बिल्कुल पहाड़ की चोटी के ऊपर, ताकि ऐसी जगह पर बनाते हैं ना वो, ताकि पूरे एरिया को देख सकें अच्छे से। फिर वहाँ पे लेके जाने के बाद वो मेरे को एक सेल जैसे लॉकअप में लेके चले जाते हैं। वहाँ पे बैठने के बाद उनका जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो आते हैं, तो
तो वो आने के बाद मेरे को सारा मतलब मामला समझाते हैं कि हमें आपके ऊपर डाउट है कि आप जो मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनसे आप रिलेटेड हो सकते हो, क्योंकि त्रिपुरा में नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा एंड OTT ऑर्गेनाइजेशंस मतलब काफ़ी भरी पड़ी हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो इंसर्जेंसीज करती रहती हैं। मैं सोचा भाई आप तो गलत फंसी है, ये चल क्या रहे हैं मेरे साथ में, तो मैं उनको बोलता हूँ सर मैं टूरिस्ट हूँ इसलिए यहाँ पे आया हूँ, मेरे को रिमोट प्लेसेस में घूमने का शौक है, वरना मैं यहाँ पे क्यों आता, मेरे पास आप मेरी चेकिंग कर लीजिए, मेरे पास कुछ गलत चीज़ निकलता है तो फिर वो मेरा चेकिंग वगैरह करने लगते हैं सब कुछ, तो मेरे फ़ोन के अंदर क्या मिलेगा भाई, अलग अलग जगह के स्क्रीनशॉट्स, मैप्स के स्क्रीनशॉट, लोकेशन के स्क्रीनशॉट, अलग अलग नए नए गैजेट्स के स्क्रीनशॉट। तो तभी एक पीछे से ऑफिसर होता है, वो बोलता है जो सीनियर ऑफिसर उसको कि सर 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 मैं समझ गया ये कोई हैकर मिलेगा, तभी इसके पास ये सब चीज़ें। मैं बोला अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, मेरा विश्वास तो करो आप। उनको मैं यूट्यूब चैनल खोल के दिखाना चाहता लेकिन वहाँ पे नेटवर्क नहीं। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि सर 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 ये कोई ब्लास्ट करने के लिए आया है यहाँ पे, क्योंकि मेरा जो बैग होता है उसके अंदर बुटेन गैस के 3 से 4 सिलेंडर मिलते हैं छोटे वाले, जो कि मैं कुकिंग के लिए यूज़ में करता हूँ। तो मैं उनको बता रहा हूँ सर इससे मैं कुकिंग करता हूँ, ये साथ में गैस भी सिलेंडर भी देख लीजिए। होता है कि भाई हमने तो ऐसा कोई टूरिस्ट देखा नहीं जो खुद ब खुद जंगलों में टेंट लगाता है, जंगलों में रहता है, कुकिंग खुद से करता है, टूरिस्ट तो होटल्स में रहते हैं, रेस्टोरों में, ऐसे ऐसे ऐसे। आप ऊनाकोटी जाइए, उदयपुर जाइए, इतने घने जंगलों में क्या देखने के लिए है। अब मैं सर आप मेरे को बिलीव कीजिए, मेरे को ऐसी जगह देखना अच्छा लगता है, ट्राइबल्स विलेजेस उनका कल्चर ब्ला ब्ला ब्ला। कोई विश्वास नहीं कर रहा, करेगा भी क्यों विश्वास मेरे पे भाई में, क्योंकि मैं सभी जो सिचुएशंस थी वो मेरे अगेंस्ट थी पूरी। लेकिन तभी लगभग 3 बजे के आसपास मेरे फ़ोन में एक मैसेज आता है टिन टिन, वो नेटवर्क आ गया होता है भाई फ़ोन के अंदर। तो मैं ट्राई करता हूँ कि उनको अपना जल्दी से यूट्यूब चैनल खोल के दिखा दूँ तो सब कुछ क्लियर हो जाए, लेकिन लोडिंग 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 5 मिनट तक लोडिंग। और तभी साला आ जाता है किसी दोस्त का फ़ोन, लेकिन 3:30 बजे कौन दोस्त फ़ोन करेगा, कोई पिया हुआ है। तो उस सर बोलते हैं जल्दी जल्दी इसको स्पीकर पे डालो, स्पीकर पे डालो, स्पीकर पे डाल के उनके ऑफिसर से बात करते हैं। वो बोलते हैं हेलो, तो दोस्त बोलता है मेरा साला हेलो द टोल ट्रोटर बोला, टोल ट्रोटर बोला आपको किससे बात करनी, बोला द टोल ट्रोटर टोल ट्रोटर। तभी पीछे से एक बंदा बोलता है सर कोड वर्ड है इनका, ये कोड वर्ड है। अरे भाई कोई कोड वर्ड नहीं है। फिर वो जो ऑफिसर होते हैं वो मेरे दोस्त को बोलते हैं ऐसे ऐसे करके हमें जंगलों में पड़े मिले थे, हम इनको उठा के अपने कैंप में लेके आए हैं, कौन है कहाँ से ये। तो भाई दोस्त ने पी रखा मेरा, तो दोस्त बोलता है कि अबे साले चूतिया मत बना, पुलकित से बात करा मेरी। तो ऑफिसर चुपचाप फोन मेरे को पकड़ा देता, लो 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 बात करो, क्योंकि गाली इतनी भयंकर देता है वो। तो मैं उसको बोलता हूँ भाई विक्की थोड़ा बाद में कॉल करता हूँ, मैं एक बार नेटवर्क आने दे, मैं फंसा हुआ सुबह क्लियर करता हूँ। तो फ़ोन रखते भाई बिल्कुल थोड़ा सा एक डंडी नेटवर्क होता है ओनली, लेकिन मेरा चैनल खुल जाता है, उसके अंदर मेरा थंबनेल वगैरह फोटो सब कुछ होता है। मैं सबको दिखाता हूँ, देख लो सर मैं टूरिस्ट हूँ, ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ में, और आपको कुछ मिला भी तो नहीं मेरे बैग में। तो उनको थोड़ा थोड़ा विश्वास हो जाता है, वो मेरी सारी आईडीज़ वगैरह अपने पास रख लेते हैं और फिर मेरे को बोलते हैं अभी 10 मिनट पहले की बात है कि आप टेंट लगा लो बाहर की तरफ, आईडीज़ सुबह हम दे देंगे, क्योंकि इनका सभी का फोटो वगैरह लेके हमें आगे अपने ऑफिसर्स को भेजनी है ताकि कल को कुछ गलत हो जाए तो उसके जिम्मेदार आप ना हो। और सब कुछ सॉर्ट आउट होने जाने के बाद उनको जब बिलीव हो जाता है तो मैं पूछता हूँ सर आप मेरे तक पहुँचे कैसे थे, आपको पता कैसे चला कोई बाहर वाला बंदा गाँव में आया हुआ है। तो वो बताते हैं कि कोई गाँव का बंदा आया था, वो बोल रहा था कि एक कोई बंदा आ रखा है गाँव में, बाल बढ़ा रखे हैं, दाढ़ी बता रखी है, हाथ में कैमरा, सब कुछ शूट कर रहा है, शूट कर रहा है, और लैंग्वेज भी अलग बोल रहा है, ना हिंदी समझ में मतलब हिंदी बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है। तो उसके बताए अनुसार हम पहुँचे थे। तो ऐसा था भाई, अपना ट्राइबल गांव भी देख लिया, शैल भी देख लिया।